विशाल प्रशांत महासागर में क्रमिक विकास के खेल निराले हैं। समंदर के अंदर और बाहर भी इसके हजारों टापुओं पर जानवरों को जीने के नए तरीकों के लिए ढलना पड़ा या फिर वो खत्म हो गए। कुदरती चुनाव ने पैदा किए द्वीपों पर बड़े बड़े जानवर और कुदरत के अजूबे। दुनिया के कुछ सबसे अनोखे जीव संसार में और कहीं नहीं बचे हैं। इन द्वीपों ने इन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। ये वाकई समंदर के अजूबे हैं। ये है वंडर्स ऑफ द ओशन। विशाल प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर, जो पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में फैला है। दूर दूर तक फैले इस पानी में ढेर सारे टापू हैं, 20,000 से भी ज्यादा। इनमें से ज्यादातर भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण प्रशांत में हैं। ये टापू इकोलॉजिकल लैब्स की तरह हैं। ये क्रमिक विकास को अनोखी और जबरदस्त दिशा में मोड़ सकते हैं या फिर ऐसे जानवरों को पनाह दे सकते हैं जो मुख्य भूमि पर जिंदा नहीं रह पाते। पश्चिमी प्रशांत में कई टापुओं से मिलकर बना है एक देश इंडोनेशिया। यहाँ के सबसे छोटे द्वीपों में से एक है कोमोडो, लेकिन ये दुनिया भर में मशहूर है अपने ड्रैगन्स के लिए। तक की लंबाई वाले कोमोडो ड्रैगन दुनिया में सबसे बड़े लिजर्ड हैं। कम ऊंचाई वाला इनका गठीला बदन ढका होता है सख्त आर्मर्ड स्केल्स से। और ताकतवर टांगों के छोर पर हैं पैने पंजे। इनके जबड़ों में मौजूद 60 तेज आरीदार दांतों के पीछे हमेशा दांतों की अगली कतार भी होती है, बिल्कुल शार्क की तरह। ये इस टापू पर सब पर हावी रहने वाले शिकारी हैं और जो पकड़ में आ जाए उसे खा सकते हैं। सांपों की तरह ये भी अपनी जीभ से हवा को चखकर पता लगा लेते हैं कि शिकार कहां है। और कुछ सांपों की तरह कोमोडो के जबड़ों में भी जहर की थैली होती है। नहीं, भैंस को कई घंटे लग जाएंगे। ड्रैगन के तेज दांत मांस की बोटियां नोच लेते हैं। ये भुक्खड़ जानवर एक बार में अपने 80% वजन जितना खा सकते हैं। कोमोडो इनका मशहूर ठिकाना है, लेकिन ये पास के कुछ और टापुओं पर भी बसे हुए हैं। तैरने में माहिर ड्रैगन्स को कई बार समंदर में लगभग आधा किलोमीटर तक जाते हुए देखा गया है। कोमोडो ड्रैगन्स ने ऐसा तरीका विकसित कर लिया जिससे ये नए इलाकों में बस सकते हैं। नर की मौजूदगी में मादाएं उनसे मिलन करके प्रजनन करती हैं, लेकिन जब नर ना हो तो मादा अकेले भी प्रजनन कर सकती है। ऐसी हालत में उसकी बायोलॉजी बदल जाती है और अनफर्टिलाइज्ड अंडों से भी सेहतमंद नन्हे ड्रैगन्स पैदा हो जाते हैं। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, यानी वर्जिन बर्थ, जो रेप्टाइल्स में अनोखी बात है। अगर कोई अकेली मादा किसी नए इलाके में पहुंच जाए तो वो वहां अपनी तादाद बढ़ा सकती है
लेकिन इंडोनेशिया के ड्रैगन में एक और कमाल मौजूद है। हाल तक वैज्ञानिकों को लगता था कि ये टापुओं पर रहने की वजह से इतने बड़े हो गए। उनका मानना था कि इनका कोई छोटा पूर्वज तैरकर कोमोडो पहुंचा होगा। टापू पर मुकाबले के लिए कोई और जीव नहीं होने से ये इतने बड़े हो गए होंगे। लेकिन जीवाश्मों की गहराई से जांच करने पर बिल्कुल अलग जानकारी सामने आई। ये शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ इस पेरेंटी जैसे मॉनिटर लिजर्ड्स की लगभग 20 प्रजातियां हैं। कोमोडो बहुत बड़े मॉनिटर्स हैं और अब हमें पता है कि लगभग 40 लाख साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। 9 लाख साल पहले अलग अलग टापुओं से गुजरते हुए इंडोनेशिया पहुंचने से पहले ही ये इतने बड़े आकार के थे। कोमोडो जैसे टापुओं पर रहने की वजह से इनका आकार बड़ा नहीं हुआ। ये टापू तो बस सुरक्षित ठिकाने थे जिन्होंने इन कमाल के शिकारियों को खत्म होने से बचा लिया। बड़े जानवर हमेशा ड्रैगन्स जैसे भारी भरकम नहीं होते। प्रशांत में वजूद बनाए रखने की सबसे अनोखी कहानी में शामिल है यहाँ का एक छोटा सा जीव जो देखने में काफी बड़ा है। लॉर्ड हाउ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से 570 किलोमीटर दूर एक पुराने ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा है। ये टापू इतना अलग थलग है कि इंसानों को 1788 तक इसका पता नहीं चला था। सांप और चूहे जैसे जीव भी नहीं पहुंचे। शिकारी जीवों के नहीं होने से यहां रहने वाले कुछ प्राणियों को अनोखे तरीके से विकसित होने का मौका मिला। उनमें से एक वाकई आइलैंड जाइंट बन गया। लॉर्ड हाउ आइलैंड स्टिक इंसेक्ट दुनिया के सबसे बड़े कीड़ों में से एक। इस जीव की लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन किसी छोटे चूहे जितना। यहां बसने वाले लोग इन्हें ट्री लॉबस्टर्स कहते थे। लेकिन 1918 में टापू के पास डूबते एक जहाज से निकलकर चूहे इस टापू पर पहुंच गए और उन्होंने स्टिक इंसेक्ट्स का सफाया कर दिया और लोगों की जानकारी में वो विलुप्त हो गए। फिर 2001 में दो वैज्ञानिक बॉल्स पिरामिड पर चढ़े। लॉर्ड हाउ टापू से 23 किलोमीटर दूर चट्टानों से बना ये द्वीप प्रशांत में पानी की सतह से 570 मीटर तक उभरा हुआ है। बॉल्स पिरामिड असल में एक पुराने ज्वालामुखी का बचा खुचा हिस्सा है जिसे समंदर ने घिस दिया। इसकी चट्टानों पर उगी कुछ सख्त जान झाड़ियों पर वैज्ञानिकों को एक कमाल नजर आया। जाइंट स्टिक इंसेक्ट्स का एक छोटा सा समूह। किसी को नहीं पता कि ये कीड़े इस छोटे से टापू पर कैसे पहुंचे। मुमकिन है कि बॉल्स पिरामिड पर घोंसला बनाने वाले ढेर सारे समुद्री परिंदों में से कोई ऐसी लकड़ी ले आया होगा जिस पर उनके अंडे चिपके होंगे, या फिर कोई खुशकिस्मत स्टिक इंसेक्ट पत्तों के साथ बहकर यहां पहुंच गया होगा। कोमोडो ड्रैगन्स की तरह मादा ट्री लॉबस्टर्स भी बिना नर के प्रजनन कर सकती हैं, जिससे इन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहूलियत हुई होगी। इन बेशकीमती स्टिक इंसेक्ट्स से वैज्ञानिकों ने बंदी हालत में इन्हें हजारों की तादाद में पैदा कर लिया है। प्रशांत के टापू पर रहने वाला ये अनोखा टिड्डा विलुप्त होने की कगार से लौट आया है और अब योजना है लॉर्ड हाउ टापू को चूहों से मुक्त करने की, ताकि ये वहां बस सके। आम के पेड़ों से घिरे कोरल एटॉल्स दक्षिण प्रशांत के कुछ सबसे खूबसूरत टापुओं में से हैं।
ये टापू पॉलिप्स कहलाने वाले छोटे छोटे अरबों जीवों की मेहनत का नतीजा है। आमतौर पर रात को सक्रिय रहने वाले इन जीवों का सिर्फ कैल्शियम का खोल ही दिन में नजर आता है, जिसे ये अपने चारों तरफ बनाते हैं। इनके आपस में जुड़ने से विशाल कोरल रीफ्स बनते हैं और लाखों वर्षों में ये पानी की सतह से ऊपर निकलकर कम ऊंचाई वाले टापू बन गए। फिर दुनिया के सबसे कमाल के बीच के रूप में पाम्स भी यहां पहुंच गए, जो है नारियल। तैरने वाले खोल से ढके नारियल समंदर में 100 दिनों से भी ज्यादा समय तक सही सलामत रह सकते हैं। बहकर जमीन पर पहुंचने पर इस नारियल से पौधा पनप जाता है, बशर्ते ये किसी लुटेरे की चपेट में ना आ जाए। ये लुटेरा यानी कोकोनट क्रैब 4 किलो का डरावना जीव है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड। पूरे दक्षिण प्रशांत के टापुओं पर पाए जाने वाले कोकोनट क्रैब दुनिया के सबसे बड़े हर्मिट क्रैब हैं। बड़े और सख्त वयस्कों को दूसरे जीवों के खोल में छिपने की जरूरत नहीं होती। ये टापू पर आकार में बहुत बढ़ने की सही मिसाल हो सकती है। खास हल्के नीले रंग के वयस्कों की टांगों को फैलाकर नापा जाए तो पूरी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इस मादा के पेट से चिपके अंडों में इसके लार्वा विकसित हो रहे हैं। जब वो हैच होने के लिए तैयार होंगे तो ये उन्हें लहरों में छोड़ देगी ताकि किसी नए टापू पर बस सके। प्रशांत में जहां भी नारियल हैं, वहां कोकोनट क्रैब्स भी हैं। 1 दूसरे से दूर रहना पसंद करने वाले ये केकड़े ज्यादातर रात को निकलकर अकेले ही खाना ढूंढते हैं। एक और मादा कोकोनट क्रैब अपनी छिपने की जगह से निकल रही है। गंध का पता लगाने की कमाल की ताकत से ये झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढ लेती है। शिकार करने के लिए इसके पास बाघ के जबड़ों से दुगना जोर लगा सकने वाले ताकतवर पंजे हैं। ये इनकी मदद से किसी भी लाश, फल या छोटे केकड़ों के टुकड़े कर सकती है और पसंदीदा नारियल के भी। गैलापागोस प्रशांत के आम खुशनुमा इलाकों जैसा नहीं लगेगा। ज्वालामुखी से बने टापुओं का ये समूह भूमध्य रेखा के ठीक नीचे है, इक्वाडोर से 1,000 किलोमीटर पश्चिम में। इसके कुछ टापुओं पर ज्वालामुखियों से अब भी धुआं निकल रहा है। समंदर से उभरने पर हर टापू जिंदगी की नई शुरुआत की जगह थी। खाने की भरमार वाली धाराओं के पास मौजूद इन टापुओं का सबसे पहले समुद्री जीवों ने फायदा उठाया, लेकिन लहरों से ऊपर कुछ ही प्रजातियां इन खाली टापुओं तक पहुंच पाए। धीमे गैलापागोस टॉर्टस को देखकर नहीं लगता कि ये लंबा सफर कर पाएगा। दुनिया में जमीन पर रहने वाले सबसे भारी रेप्टाइल की लंबाई 1.5 मीटर तक और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में यहां आए चार्ल्स डार्विन को इनकी पीठ पर सवारी करना पसंद था और आज भी कुछ जीव यही कर रहे हैं। किसी जमाने में दुनिया के ज्यादातर महादेशों में बड़े बड़े कछुए बहुत आम थे। समझा जाता है कि करोड़ों साल पहले कुछ खुशकिस्मत कछुए साउथ अमेरिका से बहकर गैलापागोस पहुंच गए। बड़े आकार की वजह से इन्हें सफर में आसानी हुई होगी। ये
ये बिना खाए पिए एक साल तक अपने शरीर की चर्बी के सहारे जिंदा रह सकते हैं। इनका शरीर पानी में नहीं डूबता और लंबी गर्दन की वजह से ये अपना सिर पानी की सतह से ऊपर रखने में कामयाब हुए होंगे। महादेशों में पिछले हिमयुग तक सभी विशाल कछुए लुप्त हो गए थे। ये सिर्फ टापुओं पर ही जिंदा बचे और अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होने लगे। अलग अलग टापुओं के कछुओं के खोल का आकार अलग अलग है। छोटे से पिंजोन आइलैंड के इन कछुओं का खोल सामने से घोड़े की पीठ पर कसे जाने वाली जीन की तरह उभरा होता है। इससे इन्हें अपने मुख्य भोजन यानी कैक्टस तक पहुंचने में सहूलियत होती है। सांता क्रूज में कछुए ऊंचे हरे भरे इलाकों में खाना ढूंढते हैं। इनके खोल ज्यादा बड़े हैं और इस पर गुंबद जैसे उभार होते हैं। इससे इन असमतापी जीवों को ऊंचे इलाके की ठंडी रातों में गर्माहट बनाए रखने में मदद मिलती होगी। लेकिन इनका शरीर ज्यादा गर्म भी हो सकता है। पानी के गड्ढे में बैठना ठंडे रहने और परजीवियों से बचने का तरीका है। लेकिन परजीवियों से छुटकारा पाने का ज्यादा कारगर उपाय है डार्विन्स फिंचेस। ये कछुए का ध्यान खींचने के लिए फुदकती हैं। और वो इन्हें देखकर सिर और टांगे फैला लेता है। रीफ की क्लीनर फिश की तरह ये परिंदे कछुए के शरीर पर चिपके टिक्स से अपना पेट भरती हैं और कछुए को भी राहत मिलती है। गलापागोस जैसे ज्वालामुखी से बने टापू दक्षिण प्रशांत में आम हैं। ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंपों और 3/4 सक्रिय ज्वालामुखियों वाला इलाका है। लेकिन इन पर बसना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गैनेट कॉलोनी एक पल में खत्म हो सकती है। लेकिन अब तक यहां के जोखिमों की तुलना में फायदे ज्यादा हैं। प्रशांत में अब भी तेज अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं। आज भी हमारी आंखों के सामने प्रशांत में नए टापू पैदा हो रहे हैं। व्हाइट आइलैंड उत्तरी न्यूजीलैंड के तट के परे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों के हिसाब से ये अभी बच्चा है, महज 1.5 लाख साल पुराना। ये क्रेटर कॉम्प्लेक्स 1970 के दशक में हुए विस्फोटों से बना था। इसके अंदर गर्म एसिड लेक उबल रहा है। यहां हर चीज जानलेवा है। इसके बावजूद क्रेटर की सतह से गुजरने वाली एक धारा में माइक्रोबियल एक्सट्रीमोफाइल्स इस भयानक माहौल में जिंदा हैं। क्रेटर की दीवारों के परे छोटे पेड़ों वाला एक छोटा सा जंगल 3 दशक से भी पहले तबाह हरियाली की जगह ले रहा है। यहां सिर्फ परिंदे ही रह सकते हैं। इन ऑस्ट्रेलेशियन गैनेट ने टापू के किनारे के पास मौजूद चट्टानों पर अपनी कॉलोनी बसाई है। समंदर में अक्सर अकेले रहने वाले ये परिंदे
आमतौर पर हर साल अपने पुराने साथी के साथ मिलकर अपने अकेले चूजे की देखभाल करते हैं, लेकिन ये जोखिम से भरा काम है। जहरीली गैस या नए विस्फोट से पूरी कॉलोनी कभी भी तबाह हो सकती है। फिर यहाँ क्यों रहे? यहाँ शिकारी नहीं है और आसपास खाने की भरमार है। गैनेट्स कुदरत के डाइव बॉम्बर्स हैं। पंखों को पीछे सिकोड़कर ये तीर की तरह पानी में घुसते हैं और इनकी रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पानी में घुसने पर इनकी आंखों के लेंस का आकार बदल जाता है, जिससे ये 23 मीटर की गहराई तक मछलियों को देखकर उनका पीछा कर सकते हैं। व्हाइट आइलैंड समंदर के अंदर मौजूद गहरी खाइयों के किनारे पर है, जिससे गहरे पानी वाली मछलियां भी इसके किनारों तक पहुंच जाती हैं। यही वजह है कि गैनेट्स यहीं प्रजनन करते और चूजों को पालते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं है। कॉमन डॉल्फिन्स भी शिकार में शामिल हो गईं। ये मछलियों को नीचे से घेर कर ज्यादा घने झुंडों में पानी की सतह के पास ले आती हैं, जहां गैनेट्स इन पर हवाई हमला कर सकते हैं। न्यूजीलैंड से 500 किलोमीटर दक्षिण में महादेश के समंदर में डूबे किनारों पर मौजूद हैं और भी ज्यादा पुराने ज्वालामुखी। ये सदर्न राइट व्हेल्स साल में ज्यादातर समय एंटार्क्टिक के आसपास के गहरे पानी में खाना ढूंढते हुए मिल जाती हैं। लेकिन जब बच्चों को जन्म देने और पालने का समय हो तो मादाएं रवाना हो जाती हैं ऑकलैंड आइलैंड्स के पास की सुरक्षित खाड़ियों की ओर। यहाँ ये झुंडों में रहकर अपने बच्चों की तब तक देखभाल करती हैं, जब तक वो खुले समंदर में रहने लायक ना हो जाएं। दूसरे समुद्री स्तनधारी जीव भी खाने से भरपूर इलाके के पास मौजूद आराम करने की इस जगह का पूरा फायदा उठाते हैं। ये हैं हुकर्स सी लायंस, दुनिया में सबसे दुर्लभ। ये सिर्फ एक ही इरादे से किनारे पर आते हैं। पहले नर यहाँ पहुंचे, ये यहाँ प्रजनन करने और अपना दबदबा साबित करने की लड़ाई करने के लिए आए हैं, और बच्चे भी इसका अभ्यास करते रहते हैं। मादाओं के पहले झुंड के पहुंचते ही बड़े नरों में उन पर कब्जे के लिए होड़ मच जाती है। लेकिन 450 किलो वजन वाले गुस्सैल और उत्तेजित नर के सामने सबको हार माननी पड़ती है। इसने इस मादा को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है और ये हर हाल में इसकी हिफाजत करेगा, चाहे मादा की मौत हो जाए। लेकिन ये मादा अभी प्रजनन के लिए तैयार नहीं है। मादाएं पहले उन बच्चों को जन्म देंगी जो पिछले मौसम से इनकी कोख में हैं। ये बच्चों को साल भर दूध पिलाएंगी और गाढ़ा दूध पैदा करते रहने के लिए इन्हें बार बार शिकार पर जाना होगा। जन्म देने के लगभग एक हफ्ते बाद मादाएं मिलन के लिए तैयार हैं। अब बड़े नरों को अपनी मादाओं को घुसपैठियों से बचाना होगा। मिलन की सरगर्मी बढ़ने पर बड़े नर सी लायंस को लगातार आजमाइश से गुजरना पड़ता है,
इनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ मिलन करना। लेकिन जब इलाके पर कब्जा रखने वाले बड़े नर आपस में उलझे हुए हैं तो मौके का फायदा उठाकर छोटे नर भी मिलन कर लेते हैं। टापू पर सी लायंस का ये ठिकाना एक खत्म हो चुके बड़े महादेश का अवशेष है। ज़ीलैंडिया नाम के इस महादेश का ज्यादातर हिस्सा दुनिया में मैमल्स का दबदबा कायम होने से पहले ही डूब गया था। लगभग भारत जितने बड़े इस महादेश का 94% हिस्सा दक्षिण प्रशांत की लहरों के नीचे है। ये दक्षिण में ऑकलैंड आइलैंड से लेकर लॉर्ड हाउ और उत्तर में न्यू कैलेडोनिया तक फैला हुआ है। न्यू कैलेडोनिया में है इस दुनिया का सबसे बड़ा लगून। 15,000 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित मरीन रिजर्व में कई तरह के जीव खूब पनप रहे हैं, लेकिन ये नजरों का धोखा हो सकता है। चारों तरफ मौजूद कोरल के घेरे के बावजूद ये कोई टापू नहीं है। जमीन पर न्यू कैलेडोनिया का पुराना अतीत साफ दिखाई देता है। यहाँ पेड़ पौधों की 3,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 80% दुनिया में और कहीं नहीं पनपती। शानदार ओरोकारिया हमेशा भूमध्य रेखा की ओर झुका रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। ये पुराने कॉनिफर्स उस जमाने के हैं जब दक्षिण के सभी महादेश एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। अब ये पेड़ गर्म इलाके के इस छोटे से टापू पर ही बचे हैं। लेकिन न्यू कैलेडोनिया के पेड़ पौधों को कुछ खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ की मिट्टी में निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसे जहरीले तत्वों की भरमार है, लेकिन पौधों के लिए जरूरी फास्फोरस जैसी चीज कम है। सिर्फ इसी टापू पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को इन हालात के मुताबिक ढलने के लिए करोड़ों साल लगे, लेकिन पौधों का एक समूह इसे हद से आगे ले गया। ये पोषक पदार्थ हासिल करने के लिए जीवों का शिकार करता है। पिचर प्लांट मांसाहारी है और कीड़े मकौड़ों को पकड़ने के लिए इसने दुनिया के कुछ सबसे कमाल के पत्ते विकसित किए हैं। पत्ते के छोर पर एक छोटे से टेंड्रिल से आखिरकार एक अजीब सा पॉड विकसित हो जाता है। धीरे धीरे ये हवा से फूल जाता है और फिर इसमें खुल जाता है एक ढक्कन। अब ये बहुत कारगर मौत का फंदा है। मीठा रस शिकार को इसके मुंह के पास ललचाता है, लेकिन पिचर के किनारे फिसलन भरे हैं। शिकार अंदर गिरकर डूब जाता है। पौधे के लिए अब खाने का वक्त है। खास ग्लैंड्स से निकले एंजाइम्स खाने को पचाकर फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसी अहम चीजें हासिल कर लेते हैं। पिचर के उलट ये पौधा किसी कीड़े के अपने आप फंसने का इंतजार नहीं करता। ये है सनड्यू। इसके पत्ते पर बाल जैसे बारीक टेंटिकल्स हैं, जिनमें हर एक के छोर पर चिपचिपे तरल की एक बूंद है। कई कीड़े इस मीठे रस से ललचा जाते हैं। मुफ्त खाने के चक्कर में आने वाले कीड़े यहां फंस जाते हैं। ये जितना छटपटाएगा, चिपचिपा तरल इससे उतना ज्यादा चिपकेगा और सनड्यू इसे छोड़ेगा नहीं। ये चिपचिपा तरल शिकार के बाहरी खोल पर मौजूद सांस लेने के छोटे छोटे छेदों को बंद कर देता है। लगभग 15 मिनट में इसकी मौत हो गई।
संधियों के टेंटिकल्स के कुछ और खास ग्लैंड से निकलने वाले पाचक एंजाइम्स अपने शिकार को अंदर से पचाना शुरू कर देते हैं। जब पौधा अपने शिकार से सारे पोषक पदार्थ खींच लेता है तो फिर सिर्फ इसका खोल ही बचा रहेगा। ज़ीलैंडिया का जो हिस्सा अब तक समंदर के बाहर है उसमें सबसे बड़ा इलाका न्यूजीलैंड के टापुओं का है। इसके किनारों पर सी लायन के छोटे रिश्तेदार अपने बच्चे पाल रहे हैं। फर्सी रेतीले किनारों की बजाय चट्टानी तटों पर रहना ज्यादा अनोखी प्रकृति नजर आती है। न्यूजीलैंड में काफी बड़े इलाके में हरे भरे वर्षावन हैं, जिनके परे ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर्स हैं। 8.5 करोड़ साल पहले दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग होने के बाद यहां कई अनोखे जीव विकसित हुए हैं। न्यूजीलैंड का सबसे पुराना जीव है टुआतारा। पहली नजर में ये एक लिजर्ड लगता है, लेकिन ये असल में लिजर्ड और मगरमच्छ के बीच का जानवर है। 25 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ ये पुराने रेप्टाइल्स भी पूरी दुनिया में मौजूद थे। टुआतारा अपनी तरह का आखिरी जीव है जो प्रशांत के इन अलग थलग टापुओं पर जिंदा है और बहुत धीमा जानवर है। प्रशांत के अनोखे विरोधाभास पर खरा उतरते हुए 1 किलो का टुआतारा यहां का सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी बन गया। छोटे शॉर्ट टेल्ड बैट्स इन टापुओं पर अपेक्षाकृत नए हैं। इनके पूर्वज लगभग 2 करोड़ साल पहले उड़कर न्यूजीलैंड पहुंचे थे। इंसानों से पहले चमगादड़ और अब विलुप्त हो चुके एक चूहे जितने बड़े पुराने जीव के अलावा इन टापुओं पर और कोई स्तनधारी नहीं था। स्तनधारी शिकारियों के नहीं होने से चमगादड़ बहुत हद तक चूहों की तरह विकसित हुए और ये ज्यादातर समय जंगल की जमीन पर शिकार करते हुए बिताने लगे। मुकाबले के लिए सिर्फ छोटे चमगादड़ और ग्लेशियल टुआतारा के होने की वजह से न्यूजीलैंड में परिंदे अनोखे तरीके से विकसित होने लगे। काका न्यूजीलैंड के निचले इलाके के जंगलों में रहने वाले तोते की एक बड़ी प्रजाति है। ऊंचे पेड़ों के फल खाते हुए ये काफी शोर मचाते रहते हैं। ये सब तो मामूली बातें हैं, लेकिन 1.5 करोड़ साल पहले जमीन के अंदर की प्लेटों की हरकतों से यहां हजारों मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई। इन सदर्न आल्प्स के बनने पर जंगल में रहने वाले तोतों का एक समूह पहाड़ी माहौल के मुताबिक ढल गया। इन्होंने पेट भरना सीख लिया 200 तरह के पौधों, जीवों से। इस मुश्किल पहाड़ी दुनिया में किया खाने के किसी भी जरिए की अनदेखी नहीं कर सकते।
सिर्फ 3% परिंदे ही निशाचर हैं, जिनमें कीवी भी शामिल है, न्यूजीलैंड के जाने माने परिंदे जो उड़ नहीं सकते। रात को निकलने की आदत और माहौल में घुल मिल जाने वाले रंग से ये शिकारी परिंदों से बचा रहता है। इन घने बालों के अंदर छोटे छोटे पंखों के अवशेष मौजूद हैं। अब ये पंख काम नहीं आते, लेकिन इसके पूर्वज लगभग 5 करोड़ साल पहले उड़कर न्यूजीलैंड पहुंचे थे। जमीन पर कोई शिकारी नहीं होने और ढेर सारे रसीले खाने की मौजूदगी की वजह से इसने उड़ना छोड़ दिया और आखिरकार ये हेजहॉग की तरह जमीन पर रहने लगा। ये अकेला परिंदा है जिसके नथुने चोंच के सिरे पर होते हैं। बिल्कुल अंधेरे में भी कीवी गंध के सहारे सतह के पास मौजूद शिकार का पता लगा लेता है। अंधेरे में अपने माहौल को महसूस कर सकने के लिए इस परिंदे के चेहरे पर और चोंच की जड़ के आसपास बिल्ली जैसी मूंछें विकसित हो गईं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुदरती माहौल में रहने वाले 1/3 कीवीज की आंखें खराब होती हैं। कुछ परिंदों की आंखें बिल्कुल नाकाम थीं, लेकिन वो सेहतमंद थे। मुमकिन है कि उड़ने की क्षमता के साथ साथ अब कीवी देखने की ताकत भी गंवा रही हैं। आखिर ऐसे काम में ताकत क्यों खर्च करें जिसका ये इस्तेमाल ही नहीं करते। कीवी आम तौर पर जिंदगी भर कायम रहने वाला जोड़ा बनाते हैं। चूजे की देखभाल करने में माता पिता दोनों की पूरी भागीदारी की जरूरत होती है। मादा कीवी लगभग मुर्गी जितनी बड़ी होती है, लेकिन इसके अंडे ईमू के अंडे जितने बड़े होते हैं। ये अंडा इतना बड़ा होता है कि उसे शरीर से बाहर निकालने से पहले कई दिनों तक ये खा भी नहीं सकती। फिर नर लगभग 80 दिनों तक अंडे को सेता है और मादा अपनी सेहत ठीक करती है। परिंदों की दुनिया में ये अंडे सेने के सबसे लंबे समय में से एक है। माता पिता की इस देखभाल का नतीजा दिखाई देता है चूजे के निकलने पर। कई परिंदों के चूजे अंडे से निकलने पर अंधे और लाचार होते हैं, लेकिन कीवी के चूजे पूरी तरह से छोटे छोटे पंखों से ढके होते हैं। पहले कुछ दिनों तक ये अंडे की जर्दी के सहारे जिंदा रहता है और फिर निकल जाता है झाड़ियों के बीच शिकार पर।